हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सानवी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर मिर्ची का अचार रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मिर्ची का अचार इसे कहिए या फिर मिर्ची का सब्जी कहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इतने सारे मिर्ची ले लिया है और इसको धोकर अच्छे से मैंने इसको सुखा लिया है। और यहाँ पर इसका हम सारे मिर्ची का डंडी हटा लेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारे मिर्ची का डंडी यहाँ पर हटा दिया है, डंठल जो था। और इसको हाफ इंच के दूरी पर इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे सारे मिर्ची। आप इसको किसी तरह से भी, मतलब इसको कट कर सकते हैं, बीच से चीरा लगा कर भी इसका सब्जी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, सब्जी जो है, जो मिर्ची का, बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी बनेगी, जिसे खाने के बाद आप सब्जी तो खाना ही भूल जाएंगे, इसी के साथ आप खाना पसंद करेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारे मिर्चियों को इस तरह से कट कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने गैस पर एक कढ़ाई बैठा दिया है और इसमें मैंने सरसों तेल इसमें ऐड किया है और साथ ही में हाफ टी स्पून मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। और जब जीरा जब चटक जाए तो यहाँ पर हम सारी मिर्चियों को बहुत ही ध्यान से इसमें कढ़ाई में ऐड करेंगे, जिससे कि ये, मतलब, बहुत ही तेज़ से इसमें से छींटा आता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग भी इसे डालिएगा यहाँ पर मिर्ची को। और इसे हमें भून लेना है, और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड्स, बस हल्का सा ही इसे हमें भूनना है। बस आधे मिनट के लिए हम इसे हल्का सा भून लेंगे। और यहाँ पर आधा मिनट हो चुका था, तो अब मैं यहाँ पर देख सकते हैं, एक चम्मच यहाँ पर भर के मैं यहाँ पर बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। जी हाँ, बेसन है ये। बेसन से इससे इसमें इसका थोड़ा सा थिकनेस आएगा इस सब्जी में। तो देखिए, मैंने बेसन को इसमें ऐड कर दिया है और इसी में मिर्ची के साथ हम इसे हल्का सा भून लेंगे। बेसन बहुत ही जल्दी से भून जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे भूनने में। और देख सकते हैं कि काफ़ी, मतलब, अच्छे तरीके से ये भुना चुका है। तो चलिए, अब इसमें हम सारे मसालों को ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, जब आपका ऑयल गर्म होगा बनाते समय, तो आप उसमें हींग थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मुझसे थोड़ा सा स्किप हो गया था, भूल गई थी मैं, तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। और हींग को भी इसमें मैंने अच्छे से मिला दिया है। और यहाँ पर मैं मसाले को ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, रेड चिल्ली पाउडर है, गर्म मसाला है, चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक है। बस इतने ही सामान हम इसमें डालकर इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे मिर्ची में अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि, मतलब, ये सब्जी जितनी ही बनाने में आसान है और खाने में भी उतना ही टेस्टी ये बनकर आता है सब्जी। तो चलिए, यहाँ पर मैं अब एक चम्मच यहाँ पर भर के इसमें दही ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास अगर दही ना हो तो यहाँ पर आप नींबू का रस ले सकते हैं। आप आधा नींबू का रस इसमें डाल दीजिएगा, बस इससे भी इसका टेस्ट वैसे ही आएगा। और यहाँ पर दही हमारी थोड़ी गाढ़ी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसको हम लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे, लगातार इसे हम चलाते जाएंगे, नहीं तो ये जो हमारा दही है तो फट सकता है। तो देख सकते हैं, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया इसमें मसाले में दही को, और इसे लगातार हम चलाते हुए भूनेंगे। फ्रेंड्स, जो मिर्ची खाने के शौकीन होंगे फ्रेंड्स, तो उन्हें ये सब्जी बहुत ही पसंद आने वाला है, सब्जी या फिर अचार कह लीजिए। तो देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छे से भून लिया है, ये ऑयल रिलीज़ करने लगा है। इसे थोड़ा सा और हम भून लेंगे, इसे और सुखा लेंगे हम थोड़ा सा। आपको अगर ग्रेवी वाली चाहिए होगी तो आप यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको और थोड़ा सा इसको और सुखा लूँगी, थोड़ा सा इसको फ्राई करके। देख सकते हैं, अभी से ये कितना ही चटपटा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी सा और यूनिक सा ये सब्जी है। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा और मैं सुखा लेती हूँ। तो देख सकते हैं, मैंने एक मिनट के लिए और भून लिया था, ये काफ़ी अच्छे से, मतलब, ये सूख चुका है। तो चलिए, अब इसको हम एक कटोरी में हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये भुना चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोग को किस किस को मिर्ची खाना पसंद है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल लुक मिर्ची का अचार का। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारा ये रेसिपी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।